खबर रायपुर से देखेंगे, जहां निर्वाचन आयोग मरवाही उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मरवाही में 3 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आयोग की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। 9 अक्टूबर को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी और 19 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही की सीट खाली हुई है। मरवाही चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जीत का दावा किया है और मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पार्टी की पिछले महीने से ही तैयारी चल रही है। कैंडिडेट्स का भी स्क्रीनिंग हो रहा है, कौन सबसे उपयुक्त रहेगा। हर पोलिंग बूथ में कम से कम 30 लोगों को शिक्षित कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया गया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच में हम लोकतंत्र में हर दल मजबूत होता है, हम बूथ स्तर पर हमारी तैयारी है। कांग्रेस पिछले महीने से तैयारी कर रही है, कैंडिडेट्स का भी स्क्रीनिंग हो रहा होगा, कौन सबसे उपयुक्त रहेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री जी के साथ तय करेंगे। आशा के कहीं आगे जाके जो पिछले 22 महीनों में काम हुए हैं उसको आधार बना के हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और विश्वास रखते हैं कि 70वीं सीट भी कांग्रेस को मिलेगी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमें उम्मीद है जो 70वां सीट मरवाही का कांग्रेस की झोली में आएगा।